कहते हैं कि अगर कोई शिक्षक ठान ले तो वो एक देश की दिशा बदल सकता है। चाणक्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ और गुरु भारद्वाज की परंपरा वाले हिंदुस्तान में एक ऐसे ही शिक्षक की कहानी समाज का उदाहरण बनी है। कहानी बाराबंकी जिले के हरख ब्लॉक में स्थित गुलहरिया के प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल सुशील कुमार की है। सुशील कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 16 वर्षों के अंदर अपने प्राइमरी स्कूल को एक ऐसी तस्वीर में खड़ा कर दिया है जिसने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगर चाहो तो प्राइमरी स्कूल कितने ज्यादा खूबसूरत और शानदार बनाए जा सकते हैं। साल 2005 में बाराबंकी जिले के रुदौली विकास खंड के प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में आने वाले सुशील कुमार ने अपनी सेवा के 18 वर्षों के भीतर एक स्कूल को एक नई दिशा दी है। सुशील कुमार 18 जुलाई 2007 को बाराबंकी के हरक ब्लॉक में स्थित गुलहरिया प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में तैनात हुए थे। सुशील जब इस विद्यालय के प्रिंसिपल बने तो यहाँ पर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम थी। गांव के लोग प्राइमरी स्कूल को वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे किसी भी सरकारी स्कूल को किया जाता है। लेकिन सुशील के सामने राह थी, राह कि विद्यालय में तमाम गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। सुशील ने साल 2009 में अपने निजी संसाधनों के जरिए तकनीकी शिक्षा के लिए स्कूल में लैपटॉप के जरिए बच्चों को ऑडियो विजुअल मेथड से पढ़वाना शुरू किया। सुशील के इस तरीके से लोग प्रभावित हुए तो स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। साल 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सुशील का स्कूल भी चयनित हुआ। इससे स्कूल को 1,20,000 रुपये मिले। इस पैसे से स्कूल में स्मार्ट क्लासेस का इंतज़ाम किया गया। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, बाउंड्री वॉल, रंग रोगन, हैंड वॉश यूनिट, सीमेंटेड पानी की टंकी और टॉयलेट्स का निर्माण भी सुशील के इन्हीं प्रयासों से हुआ। प्राथमिक विद्यालय सराय नासिर में हुई थी और वहाँ से जब जिला चेंज हो गया बाराबंकी में तो यहाँ हमारा ट्रांसफ़र हो गया प्राथमिक विद्यालय गुलहरिया में। यहाँ पे जो दशा थी वो पहले अच्छी नहीं थी, बच्चे पढ़ने बहुत कम मात्रा में आते थे और कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो बड़ा ख़राब सा लगता था कि अभी एक शिक्षक है और शिक्षक पूरा जीवन हमारा शिक्षक के रूप में हो जाएगा और कुछ आउटपुट नज़र नहीं आ रहे थे। तो हमने अपना कम्युनिटी का साथ लिया, अपने प्रधान जी से बात की, अपने स्टाफ से बात की कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ नया करें। तो जो बच्चे पहले हमारे विद्यालय में पढ़ने नहीं आते थे वो स्कूल में तो नाम लिखा हुआ था और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे, फिर धीरे धीरे करके वो सब बच्चे पढ़ने आने लगे। हमने उनको अपने विद्यालय में इंगेज कर लिया, उनके पेरेंट्स को विद्यालय से जोड़ा, तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करते थे और जिसमें सामाजिक सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित होते थे उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित की। तो एक उनके अंदर जुड़ाव हो गया, वो हमारे विद्यालय में पढ़ने आएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो बच्चे हमारे गांव में ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल शिक्षा के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पहले तो उनके अभिभावकों को जागरूक करना था कि वो शिक्षा के महत्व को समझें और अपने राष्ट्र में की भागीदार बने। उनको जोड़ने के लिए मेहनत किए, प्रयास किए और सफल हुए, उन्होंने बात समझी और अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजे। आज इस विद्यालय में ICT के जरिए पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को मिड डे मील में वो खाना मिलता है जो शायद किसी गरीब आदमी के घर में नसीब तक ना हो पाए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तमाम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, बच्चों को कोकरिकुलर एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इन सब का कोई पैसा नहीं लिया जाता। जाते थे, बड़े कायदे से जाते थे, उनके पेरेंट्स भी ध्यान देते थे उन पर। तो हम सोचते थे कि हमारे बच्चों में केवल कमी इतनी है कि वो गरीब घर से हैं और इसलिए वो उतनी उनको सुविधाएं नहीं मिल सकती, पर हमने प्रयास किया कि उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उन छात्रवृत्ति से उनके अभिभावकों को प्रेरित किया कि आप इनको बच्चों को यूनिफॉर्म सिलवा दीजिए, इनके स्वेटर दिलवा दीजिए, ये सब चीज़ें उन्होंने कहना भी मान लिया और बच्चे बिल्कुल अप टू डेट अच्छे से विद्यालय आने लगे और एक स्कूल जो था हमारा स्कूल जैसा दिखने लगा। और स्कूल का एक जो प्राकृतिक वातावरण है, हरा भरा,
चूँकि हमको गार्डनिंग का कुछ शौक़ भी था और हम चाहते थे कि हमारा विद्यालय जहाँ हो हरा भरा हो, इसके लिए हमने अपने अभिभावकों का सहयोग लिया, SMC का सहयोग मिला, ग्राम प्रधान का सहयोग मिला और स्कूल हमारा अच्छा हो गया। क्या कुछ खास है विद्यालय में, अगर हम बात करें आम विद्यालयों से कितना अलग ये विद्यालय है, कुछ नया देने के प्रयास किए आपने बच्चों को, शिक्षा में गुणवत्ता को भी बहुत बेहतर ढंग से ध्यान दिया, क्या कुछ कहेंगे सर? विद्यालय अब खास तो सारे विद्यालय होते हैं वैसे होते हैं। अब हमारा एक सोचना था कि बच्चों को वो सभी सुविधाएं मिलें जो हम उन्हें दिलवा सकते हैं। सरकार से जो सरकार का बहुत ही योगदान रहा, पर उसके अपना भी हमने एफर्ट किया कि समाज से सहयोग से बच्चों को हमारे यहाँ ICT का भी है और बच्चों को कंप्यूटर वगैरह मिले, खेल का सामग्री मिली, लोगों ने जूते मुझे भी सारे। सुशील को उनके इस काम के लिए तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सुशील को CM योगी से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक ने सम्मानित किया है। लेकिन सुशील कहते हैं कि 163 बच्चों के इस स्कूल में तमाम बच्चों में ऐसी क्षमताएं हैं कि वो देश में अपना परचम लहरा सकते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी बनती है कि जो सरकार ने अपने प्रयास पूरे कर लिए हैं, अब सरकार के प्रयासों के साथ कदम से कदम मिला के चलें और जो हमारी विभागीय योजनाएं हैं, निपुण भारत अभियान है, जो भी है उसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी बच्चों का विकास होगा और जब बच्चों का विकास होगा तो बच्चों के साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा। ऐसे वक्त में जब हजारों और लाखों रुपए की फीस लेने वाले स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर माँ बाप चिंतित हों, सुशील के स्कूल ने ये साबित किया है कि चाह हो तो राह निकल ही आती है। हिंदुस्तान ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा का देश नहीं कहा जाता। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।